ये मेरा ये सवाल था कि जो नमाज में जो लोग तशहुद को क्या उंगली बार बार उठाना है कि एक ही बार उठाना है तशहुद में? तशहुद में उंगली बार बार उठाना है या एक ही मरतबा उठाना है शेख? देखिए, इससे मुताल्लिक कई रिवायतें हैं। उन रिवायतों तमाम रिवायतों के मजमुए से ये बाज रिवायतों में है इशारा करना, युशीरु बिस्सबाबा, इस उंगली को सब्बाबा कहा जाता है, कि सब्बाबा से इशारा करना है। बाज रिवायतों में है कि हरकत करना है, बाज रिवायतों में है कि दुआ के वक्त हरकत करना है। इन तमाम रिवायतों के मजमुए से जो नतीजा निकलता है वो ये है कि जब आप तशहुद में हैं और आप उंगली ऐसे उठाए हुए हैं तो ये इशारा हो गया। इशारा इसको नहीं कहते हैं, ये हरकत है जिसको इशारा नहीं कहते हैं, ये इशारा हो गया। तो आपको ऐसा उठाना है, और जब जब आप दुआया कलमे से गुजरेंगे, कोई भी दुआया कलमा, तो दुआया कलमा के वक्त आप इशारा करेंगे। जैसे आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ले, ये दुआ है, तो आपको इशारा करना है। बाज उलमा का ये कहना है कि पूरी एक हदीस के अंदर है कि काना युहर्रिकु, तो ये ग्रामर का मसला है, अरबी ग्रामर का, कि क्या काना युहर्रिकु का मतलब ये है कि इस्तिमरार के साथ ऐसे हरकत करते रहना है, या हमेशा ये जो है इस्तिमरार के लिए दिलालत नहीं करता। सही बात ये है कि जरूरी नहीं है कि ये इस्तिमरार पर दिलालत करे। ऐसे बहुत से सेगे अहादीस में वारिद हैं जहां पर इस्तिमरार नहीं है और काना के बावजूद, तो इस्तिमरार के साथ भी बाज उलमा ने कहा है। लेकिन जो मैं समझता हूं, जिसको बहुत सारे उलमा ने जिक्र किया है, कि ये इशारा हो गया, आप जब इस तरह उठाए हैं तो ये इशारे पर अमल हो गया, और जब दुआ करते वक्त आपने हरकत किया तो ये हरकत पर अमल हो गया, तो आप इस तरह से करेंगे।